बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दम का कीमा। हमारे पास बीफ़ कीमा है तकरीबन 1 kg और 4 से 5 अदद बड़े प्याज हैं कटे हुए। इनको मैंने धो के छलनी में डाल दिया ताकि ये ज़रा खुश्क हो जाए। एक बड़ा कप मेरे पास जो है वो ऑयल का है, तो मैं तेज़ आंच पे पैन जो है उसको रखूँगी और जैसे ही पैन गर्म होना शुरू होगा मैं इसमें जो ऑयल है मेरे पास वो ऐड करूँगी और प्याज ऐड करके इसको तेज़ आंच पे ही मैं फ्राई करूँगी। प्याज को हमने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन जो है वो करना है। जैसे ही प्याज हमारा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा तो हम इसमें 1 tablespoon जो है वो लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और उसको भी प्याज के साथ जो है वो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट जो है 1 tablespoon ऐड कर रही हूँ और इसको दोबारा से चम्मच चलाते हुए मैंने थोड़ा मज़ीद जो है वो फ्राई करना है। थोड़ा मज़ीद फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 tablespoon जो है वो अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और प्याज को जो है मैं मुसलसल जो है वो हिला रही हूँ ताकि ये जले ना और लाइट गोल्डन हो जाए। तो ये देखें प्याज हमारा जो है वो सॉफ्ट और लाइट गोल्डन हो गया है। अभी हम इसमें कीमा जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे और कीमे की बुनाई करेंगे। कीमे को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसको इतना फ्राई कर लिया हमने कि इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के जो है टमाटर बारीक कटे हुए वो ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को कीमे के साथ मिक्स करने के बाद मैं इसमें मसाले जो हैं वो मिक्स करूँगी। मेरे पास नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। ये इसमें ऐड करके मैं इनकी बुनाई जो है वो करती जाऊँगी कीमे की। और जैसे ही कीमा जो है तकरीबन भून जाएगा तो मैं इसमें 2 tablespoon जो है वो घी के, बनस्पति घी के ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करूँगी और कीमे को हल्की आंच पे जो है दम पे रहने दूँगी। और इसमें मैंने ये देखे कोयले जो हैं वो जला के रखे हुए थे, उनके साथ अब मैं स्टीम कर रही हूँ। कोयले मैंने छोटी कटोरी में रखे हैं और इनके ऊपर जो है मैंने 1 teaspoon जो है वो घी का डाल दिया है और ऊपर से मैं इनको ढक दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। कीमा जो है वो पूरी तरह ऑयल जो है वो छोड़ देगा और इसमें स्टीम भी आ जाएगी कोयले की। तो यहाँ मेरे पास जो है सब्ज़ मिर्चें हैं और बोटी मसाला और गरम मसाला है, इनको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखें स्टीम जो है वो कीमे को आ गई है और उसने पूरी तरह ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसको गार्निशिंग करूँगी और सर्व करूँगी। तो ये बहुत ही हमारा मज़ेदार और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये कीमा हमारा जो है ये तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।